हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैयद परवेज़। आज हम यहां पर हैंडबैग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करा है, ये इस पर तकाई कर ली है, ठीक है, सिलाइयाँ लगा ली हैं। नीचे यहां पर हमने कोई पुराना कपड़ा यानी साड़ी वगैरह ले ली है, और यहाँ पर इसके अंदर जो डाली है वो हमने फोम डाली है और सिलाइयाँ लगा ली हैं। उसके बाद में इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो रखी है 15 इंच, और जो इसकी लंबाई रखी है पूरी एक ही पीस रखा है हमने। आप चाहें तो बीच में जॉइंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 38 इंच है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे फोल्ड। फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पर चौक से इसका हैंडल, मतलब इसका जो ऊपर का हैंडल होता है ना, उस तरीके से यहाँ पर बना देना है इस प्रकार, और इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से अब हमने यहाँ पर इसका एक हैंडल ऊपर का भाग बना लिया है। उसी हिसाब से अब हमें यहाँ पर ऊपर से कम लेना है 2 इंच। 2 इंच के बाद एक निशान लगा देंगे इस प्रकार, और निशान लगाने के बाद यहाँ पर लेंगे 1.5 इंच, यानी 3 इंच का हमारा हैंडल होगा। आप अपने चॉइस के अनुसार बना लीजिए। और इसका जो गैप लेंगे यानी चौड़ाई, वो लेंगे 1 इंच की, और इसको भी हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। अब इसी तरह सेम हम इधर वाले को भी बना लेंगे। उसे कैसे करेंगे, यहाँ पर लेंगे इस प्रकार, इसी तरह रखेंगे, और रखने के बाद इसको यहाँ पर इसके ऊपर रख लेंगे, जिससे हमारे एक जैसे हैंडल बन सके। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगी आपको कटिंग करना। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर इसके दोनों हैंडल बना लिए हैं इस तरीके से। अब हमें रखना है यहाँ पर, और ये हमारे आप देख सकते हैं हैंडल बन चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये साइडों में लगाने के लिए पाइपिंग चाहिए, और हमें यहाँ पर दूसरी साइड में लगाने के लिए पाइपिंग चाहिए। अब यहाँ पर हमें औरे पाइपिंग चाहिए इस साइड में या हैंडल पर लगाने के लिए। और दो हमने ये पीस लिए हैं जिसपे हमने पेपर फोम चिपका रखी है, वो हमें यहाँ लगाना है, जिसके ऊपर से पलट के हम इन पे पाइपिंग बना लेंगे। इसकी हम लंबाई चौड़ाई आपको बताते हैं। इसकी जो लंबाई 5.5 इंच है, और जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच। चलिए हम अपनी मशीन पर चल के इसको करते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर और एक पाइपिंग ली है, उसके बनाते हैं हैंडलों के ऊपर हमें पाइपिंग निकालना है। तो पाइपिंग किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमें इस तरीके से रखना है उल्टा करके इस पीस को, और यहाँ पर सिलाई लगाना है इस तरीके से। यहाँ जो मार्जिन लेना है बिल्कुल एक सा लेना है। अब इस तरीके से इसको पलट लेंगे, नहीं यहाँ नाखून वगैरह लगा लेंगे, ठीक है। और नाखून लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर इस पाइपिंग को इस तरीके से फोल्ड करना है, और ऊपर से लगाना है सिलाई। अब हमने यहाँ पर पाइपिंग निकाल ली है, ठीक है। पीछे की साइड से आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से पाइपिंग है। और इसी तरह हमें अब अपने क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो हमने जो कि पीस लिया है ये वाला, अब हमें इस तरीके से रखना है इस पीस को, ठीक है, देख सकते हैं, और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर लगा लेना है कट।
अब यहाँ पर कोनों पर कट लगाना है, ठीक है, सिलाई तक कट लगाना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस तरीके से सारे कोनों पे हमें कट लगा लेना होंगे। अब इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से, और बाहर की साइड में इनको निकाल लेंगे, ठीक है, पलटना है हमें इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, आप चाहें तो इसको प्रेस से भी बिल्कुल इस तरीके से जमा सकते हैं, इस प्रकार फोल्ड करके, मगर मैंने इसमें पेपर फ्यूजिंग चिपका लिया है इस वजह से कि मुझे आसानी हो जाए फोल्ड करने में, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इन हैंडलों को यहाँ कंप्लीट कर लूँगा इस तरह। अब हमने यहाँ पर पूरा हैंडल एक कंप्लीट कर लिया है, आप पीछे की साइड से भी देख सकते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पर फिनिशिंग है, कोई कच्चा वगैरह कहीं नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब इसी तरह हमें इधर की साइड का हैंडल बना लेना है, तो यहाँ पर हमने दोनों साइड के हैंडल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें इस तरीके से इनको बंद करना है, तो बंद किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे और इस साइड में भी चेक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ मिला लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसी हमें इसी साइड से, इस वाली साइड से भी बंद करना है। अब हमें यहाँ पर एक पीस बनाना होगा करीब 2 इंच का और 2 इंच ऐसे में, और यहाँ पर भी 2 इंच और 2 इंच ऐसे में, ठीक है। अब इसको हमें कट करके निकालना है, अब इसको ये देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, इसको इस तरीके से उठाना है और इसको इधर करना है, यहाँ पर हमारा ये तला बन जाएगा, ठीक है, चौड़ा, तो यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है, तो सिलाई हम लगाएंगे इस तरीके से और मजबूत करके सिलाई लगाना है आपको, छोटा टांगा करके, हो सके तो आप पूरे बैग पर डबल सिलाई लगा लीजिए क्योंकि इसमें सामान रखा जाएगा तो मजबूत होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है इस तरीके से, देखिए आप, ठीक है, ये हमारा तला बन गया। अब जो हमारी दूसरी वाली साइड है इसको भी हमें इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से यहाँ पर इसका भी तला बना लेंगे। एक सिलाई और लगा लेंगे, ठीक है, डबल सिलाई इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें कोई बजनीली चीज़ भी आप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पंज है तो ये काफ़ी मजबूत बैग है आपका। तो यहाँ देखिए ये हमने इसका तला बना दिया है, ठीक है। अब हमारी जो कि पाइपिंग है, ये हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है, तो यहाँ पर हमें पाइपिंग निकालना है जिससे कि यहाँ पर फिनिशिंग बरकरार रहे और हम यहाँ पर
इसमें कच्चा धागे वगैरह ना निकले। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर सीधी पट्टी लेना है और रेब नहीं लेना है, और रेब आपको यहाँ चाहिए है और सीधी पट्टी यहाँ चाहिए है। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे, इसको एक्स्ट्रा कपड़ों को इस प्रकार पलटेंगे, और पलटने के बाद हमें यहाँ पर पाइपिंग निकाल लेना है। अब हमने यहाँ पर पाइपिंग निकाल ली है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है और यहाँ पर भी। फिर इस अपने बैग को पलट लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर भी पाइपिंग निकाल ली है और इस साइड में सब जगह हमने पाइपिंग निकाल ली जिससे धागे वगैरह ना निकले। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर और कितना प्यारा से हमने हैंडबैग बनाया है, और इसमें कोई भी धागे वगैरह निकलने का झंझट नहीं है, हर तरफ से बिल्कुल पक्का है, फिनिशिंग के संग है। आप चाहें तो इसको उल्टी तरफ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बैग बना लिया है, यह आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।